नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडल 23 के बारे में, जो कि साइनसाइटिस में आपको बहुत रिलीफ देता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइनसाइटिस होता क्या है और उसमें एडल 23 जो है वो किस तरीके से काम करती है और उसकी डोसेज क्या रहेगी। आइए जान लेते हैं कि साइनसाइटिस होता क्या है। साइनसाइटिस यानी कि अगर आपके साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तब हम उसे साइनसाइटिस बोलते हैं। और अब सबसे पहले जानते हैं कि साइनस क्या है। साइनस दोस्तों आपके फेस के अंदर कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जो कि एयर फिल्ड हैं, और वो इसलिए होती हैं कि अगर आपको कभी इंजरी लगे तो वो शॉक रेजिस्टेंट की तरह काम करती हैं। अब क्या होता है, कई बार जो है उन एयर फिल्ड कैविटीज़ के अंदर या सैक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और उनमें कई बार पानी भरना या म्यूकस भरना शुरू हो जाता है, जो टाइम के साथ कई बार अपने आप निकल भी जाता है और कई बार आपको मेडिकेशन का सहारा भी लेना पड़ता है। और इसी प्रॉब्लम के अंदर, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के अंदर, आप एडल 23 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपको साइनसाइटिस की दिक्कत है। तो आइए बात करते हैं साइनसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम साइनसाइटिस के सिम्टम की बात करें तो आप लोगों को जो है छींकें जो हैं लगातार आना शुरू हो जाती हैं, और छींकों के साथ आपका नाक जो है वो अधिकतर बंद रहता है और आपको जो है सांस अंदर बाहर करने में दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो इसका म्यूकस है, अगर आपको छींकों के साथ गाढ़ा म्यूकस आ रहा है तब जो है आपको साइनसाइटिस की शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, छींकों के साथ अगर आप लोगों को हेडेक होता है, हेडेक जो है वो आपके हेड में, फोर हेड में हो रहा है, साथ में आपके फेशियल पेन भी हो रहे हैं, यानी कि आपका जो फेस है वहाँ पे भी दर्द शुरू हो रहा है, तब जो है आपको साइनसाइटिस हो सकता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंदर ही अंदर आपका जो नोज़ है और आपका जो गला है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि इसके साथ ही आपके गले में भी कई बार सोरनेस पाई जाती है, आपका थ्रोट जो है सोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कफ भी आनी शुरू हो सकती है। और इन सब के चलते आपको अगर फीवर आ जाए तब जो है साइनसाइटिस हो सकता है। दोस्तों, कई बार जो है ये हेडेक्स जो हैं ये आपको ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि आपको नॉर्मल हेडेक है या फिर आप लोगों को माइग्रेन की शिकायत है। इसीलिए अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि आपको एक्चुअली दिक्कत क्या है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एडल 23 जो है क्या वो इन सिम्टम्स में रिलीफ दिलवाती है या नहीं। तो एडल 23 बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनी है, जो कि साइनसाइटिस के अधिकतर सारे सिम्टम्स में आपको रिलीफ दिलवाती है और साइनसाइटिस को जड़ से ख़त्म करने का इलाज जो है वो करती है। एडल 23 लेने से आपके हेडेक्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी छींकें रुक जाएंगी, और जो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या आपका जो नोज़ पफ्ड रहता है और साथ ही आपका जो गला ख़राब रहता है और खांसी होती है वो भी बंद हो जाएगा। अगर हम इसकी डोसेज की बात करें तो दिन में 3 बार आप 15 से 20 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर ले सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और अगर आप किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।